अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं वो साइन कन्वेंशन। ठीक है, कल मैंने रे ऑप्टिक्स अपलोड किया था, उसके साइन कन्वेंशन बाकी रह गए थे, तो वो मैं एक बार आपको साइन कन्वेंशन से इंट्रोड्यूस करा दूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ आपको। एक बार देखिए, पहले तो आपको ये जनरल ग्राफ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये एक्स, ये वाई एक्सिस, इधर वाले सारे वैल्यू क्या होते हैं? पॉजिटिव। इधर वाले सारे वैल्यू क्या होते हैं? निगेटिव। ये क्लियर होते हैं, ऊपर वाले सारे वैल्यू पॉजिटिव और इधर वाले सारे वैल्यू निगेटिव। ये बेसिक आइडिया जो आपको टेंथ से ही क्लियर होता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को मैं यूज़ करता हूँ साइन कन्वेंशन बताने के लिए, क्योंकि ये जनरल कंसेप्ट जो कि बचपन से ही आता है आपको। मैं साइड में कर भी दूँ ग्राफ एक बार। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। पहले मैं मिरर के लिए बात करता हूँ। ठीक है, देखिए मिरर में भी जब आए आपके आपके सामने ऐसा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज कहीं बने रहा है, तो आप क्या कीजिए, पहले जो मिरर है, मिरर का पहले पोल मार्क कीजिए और उस पोल पर ऐसे एक वर्टिकल लाइन खींचिए। ठीक है, और फिर ये लाइन तो क्या होगा, एक्स वाई की तरह हो गया ना, ये एक्स वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब सिंपल है, जो भी डिस्टेंस इधर वाला हो सबको पॉजिटिव लीजिए आप, जो भी डिस्टेंस इधर वाला हो सबको नेगेटिव लीजिए। कहीं गलती नहीं होगा आपका, कभी भी गलती नहीं होगा कुछ भी। बात समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ ये हो गया, तो अब क्या कीजिए, इस पोल को मार्क कीजिए, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने पहले से खींच रखा हूँ। इधर वाले सारे वैल्यू को क्या करना है आपको, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ है। इधर वाले सारे वैल्यू को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। डाउट ही नहीं है, फंसना ही नहीं है आपको क्वेश्चंस में। बात समझ में आ रही है ना मेरी? लेंस की बात करते हैं हम। ठीक है, तो लेंस देखिए, पहले लेंस जो बनता है ऐसा, ये लेंस बना। ठीक है, ये मान ली कन्वेक्स लेंस, मैं थोड़ा ड्राइंग ख़राब है भाई। देखिए, मान लीजिए ये जो कन्वेक्स लेंस आपके सामने है, तो ये जो पार्ट है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है, इसको एक बोल देते हैं, ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये पहला रिफ्रैक्टिंग, दूसरा रिफ्रैक्टिंग। तो जो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो किसी एक स्फीयर का पार्ट होता है, जो दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो किसी स्फीयर का पार्ट होता है। मतलब स्फीयर ऐसा होता है ना ग्लास, उसको हम कट करते हैं लेंस को। ठीक है, तब ऐसा एक ये कट कर देंगे तो क्या होगा, एक ऐसा आ गया, फिर दूसरा स्फीयर लेते हैं, फिर कट करते हैं और तब दोनों को जोड़ते हैं ऐसा, तो ऐसा लेंस बनता है अपने सामने, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो क्या करना, देखिए ये वाला है तो आप इसको पूरा कर दिया, ये जो है ना इसको मैंने पूरा कर दिया यहाँ पर, ये वाली जो स्फीयर हो गया है। ठीक है, डायग्राम अच्छा नहीं उतना। फिर ये वाला जो पार्ट था इसको मैंने पूरा किया, तो इसको जब पूरा किया तो देखिए ये सर्किल आ रहा है, ये उसका ये आ रहा है, स्फीयर आ रहा है, अब स्फीयर आ रहा है। और उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, वो सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करना है आपको। तो पोल से चलिए, यहाँ से आइए, ये डिस्टेंस, ये इसका रेडियस होगा R, मान लीजिए R1 है, इस वाले के लिए रेडियस किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ये R2 हुआ। बाद में समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, फिर वही करना आपको, लेंस रहे आपको पहले एक्स वाई करना है, इधर वाले जो भी आएंगे वो प्लस में आएंगे, इधर वाले जो भी आएंगे वो निगेटिव में आएंगे। ठीक है, तो ये जो R1 है, ये जो R1 है, इसका जो R1 लेना होगा आपको, लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए मैं बता रहा हूँ, इसका जो लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए R1 लेना होगा, वो R1 किधर पड़ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। देखिए इस डायरेक्शन में R1 आ रहा है, क्योंकि हम पोल से मेजर करेंगे, पोल से उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मेजर करेंगे, क्योंकि ये स्फीयर है तो स्फीयर का ये सेंटर होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट क्या होता है, रेडियस होता है, तो ये पोल हुआ, इससे मेजर किया तो इधर की तरफ गया तो पॉजिटिव, ये जो दूसरा सरफेस है उसके लिए इधर की तरफ आ रहा है, अपोजिट टू आ रहा है तो नेगेटिव, जैसे मैंने यहाँ डिस्कस किया था। तो सारे कंसेप्ट जो भी इसका साइन कन्वेंशन है ना, आप इस फॉर्मूला को फॉलो कीजिए, तो साइन कन्वेंशन कभी गलत नहीं होगा। आप एक्स वाई एक्सिस आपको अच्छे से पता है, बस आप उसी को फॉलो कीजिए, कभी आपसे आपका गलती नहीं होगा, मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ आपको, कभी गलती नहीं होगा आपका। देख रहे हैं ना, यहाँ भी आसानी से हो रहा है। अब देखिए, पहला बात जो ध्यान रखना आपको, सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करने, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी मिस्टेक्स होते हैं यहाँ पर। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं इस कंसेप्ट से करते हैं, कि जिधर इंसिडेंट रे जा रहा है, मतलब लाइट के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेना, लाइट के अपोजिट है तो निगेटिव लेना है। तो देखिए उसको भी हम एक बार एग्जाम्पल देकर बताते हैं। मान लीजिए ये लेंस है, ठीक है, इधर ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बन रहा है इधर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो यू आ रहा है, तो यू निगेटिव ले या पॉजिटिव ले, कैसे डिसाइड करेंगे? तो पहला तो ये कंसेप्ट लगाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऑब्जेक्ट किधर आ रहा है, इधर, मतलब ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, यानी कि निगेटिव होगा, तो यू निगेटिव लेंगे, इससे भी आ रहा है। अब जो लोग दूसरा कंसेप्ट यूज करते हैं, वो क्या करते हैं कि लाइट के डायरेक्शन में, अब देखिए ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है हमेशा, ऑब्जेक्ट से लाइट इधर जा रहा है, हम लोग मेजर कैसे करेंगे, कोई भी डिस्टेंस पोल से मेजर करना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग पोल, इसके पोल से मेजर किए यहाँ पर आ रहे हैं,
देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का डायरेक्शन ये है, जबकि लाइट का डायरेक्शन ये, यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया अपोजिट, मतलब जो u का डायरेक्शन है वो लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट है, यानी कि u का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव लेंगे। ठीक है, अब हम लोग इमेज डिस्टेंस मेजर करते हैं, वी देखते हैं। देखिए तो ये लाइट इधर आ रहा है, रिफ्रैक्ट होकर लाइट इधर ही आएगा, तो यानी कि जो वी है वो लाइट के डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हैं और वी भी मेजर कर रहे हैं इधर, क्योंकि जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से मेजर करेंगे, दोनों डायरेक्शन सेम, यानी कि वी क्या क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आप ये वाला कंसेप्ट लगाइए तो इधर भी क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, तो आपको साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम नहीं करना है, आप या तो लाइट वाला फॉलो कीजिए, नहीं तो उससे जो आसान हमको लगता है ये एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, बस क्योंकि इसमें सिंपल आपको बस ये आना चाहिए कि हाँ इधर सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है, इधर सारा वैल्यू निगेटिव होता है, तो मैंने आपको दोनों से कंपेयर करके बता दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट ज़्यादा आसान है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। जो अपना मेन जो थीम है वो क्या है, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे हम कहाँ से करेंगे, हमेशा पोल से करेंगे। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, यदि आपको इसमें भी कुछ डाउट्स हो तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं और अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।